लोग आज इस वाले मिनी ट्रैक्टर को बाहर लेके जाएंगे एकदम खुली जगह पे और फिर वीडियो शूट करते हैं। हमारे भाई ट्रैक्टर आ चुका है अब रोड पे और अब चला के टेस्ट करने वाले हैं। मैंने सोचा कि पिछली वीडियो हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी एक बैल के साथ, तो वो काफ़ी वायरल हो गई थी और 10 मिलियन क्रॉस होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार गाय के साथ वीडियो शूट करें। और जब मैं वीडियो रोड पे शूट कर रहा था तभी गाय आ गई अचानक। जो हमारे पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो थी उसमें बैल का रिएक्शन कुछ अलग ही था, बैल ने कुछ नहीं किया और सिंपली वो देख रहा था और वापस चला गया, लेकिन गाय का रिएक्शन कुछ अलग ही था, बार बार देख रही थी पीछे मुड़ के उसको, वो चल रहा था और बाइक वाला भी एक ही रुका था, काफ़ी देर तक रुका और देख रहा था भाई कैसे क्या बनाया है, कहाँ से खरीदा है, वो ऐसे पूछ रहा था। आप कमेंट करके बताओ कि पब्लिक का रिएक्शन का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब की बार हमारा वो जो बड़े वाला डीजे है वो लेके जाएंगे, तो आप कमेंट करके बताना कि उसका वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। तो जो फोर व्हीलर वाले बंदे थे वो निकल रहे थे, वो पूछ रहे थे भाई कहाँ से खरीदा है और कितने रुपए का है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने खुद ने बनाया है, तो यकीन नहीं है। पिछली वीडियो में हमने बैल के साथ वीडियो बनाई वो 10 मिलियन क्रॉस हो गई, तो इस बार बैल के साथ वीडियो बनाते क्या होता है। जब मैं गाय के साथ वीडियो शूट कर रहा था और तभी एक बैल आ गया था, तो हुआ ऐसा कि एक साइड में गाय खड़ी थी और दूसरी साइड बैल खड़ा था, और मुझे डर था कि कहीं फोर व्हीलर आ जाएगी और कोई गाड़ी वगैरह आ जाएगी तो ट्रैफिक ना हो। तो मैं क्या करता था, जब भी फोर व्हीलर आती थी तो मैं अपना मिनी ट्रैक्टर को नीचे उतार देता था रोड से, तो भाई हाँ ये वाली पिकअप निकलने के बाद हमारा बैल जो था वो चला गया बिना वीडियो में आए। और मैंने सोचा क्यों ना हमारे मिनी ट्रैक्टर को हमारी गाय के पास ही ले जाके वीडियो शूट करें। जैसे हमने ले जाकर ट्रैक्टर को नीचे रखा और आगे की ओर चलाया और गाय हमारी आगे की ओर चली गई, और हमारे गौ माता को हमने बोला कि हमारे बैल ने 10 मिलियन क्रॉस करवा दिए थे वीडियो के, तो आप भी वायरल करवा देना हर हर महादेव।